नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। जब से हरियाणा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकली है, तब से कांग्रेसियों के अंदर काफ़ी उत्साह है। लोग अब पार्टियां छोड़कर कांग्रेस के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ऐसा हरियाणा की अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और आज भी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से जो संजय चंदेल हैं, संजय कुमार चंदेल हैं जिन्हें सागर के नाम से हम जानते हैं, उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया ओबीसी सेल का। हालांकि हरियाणा के अंदर जो संगठन का विस्तार है वो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा है। अब देखना होगा कि कब पूरे हरियाणा में जो विस्तार है वो होगा, लेकिन करनाल को इस समय ओबीसी सेल का जो जिला अध्यक्ष है वो संजय कुमार चंदेल के नाम पर ज़रूर मिल गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं वीरेंद्र राठौर, वो भी हैं, करनाल से दो बार की विधायक रही सुमिता सिंह, वो भी मौजूद हैं। और आज विधिवत रूप से जो उन्हें जिला अध्यक्ष का कार्यभार है वो सौंपा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, दो बार आप विधायक रही करनाल से और पिछली दो बार से मनोहर लाल खट्टर करनाल के विधायक भी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जब से भारत जोड़ो यात्रा निकली है तब से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनमें कुछ उत्साह देखने को मिला है, किस तरह देख रहे हैं? अगले साल चुनाव भी हैं। ऐसे है, मैं 10 साल करनाल की विधायक रही हूँ। हर व्यक्ति जिसको कोई तकलीफ़ होती थी, कोई समस्या होती थी, हमारे पास आते थे, हम उनकी समस्या सुनते थे और जो समस्या दूर हो सकती थी करते थे और उनके हर सुख दुख में साथ रहते थे। अब पिछले 8 साल से करनाल जो है वो पूरी तरह से लवारिस हो चुका है, राजा करण की नगरी। जो लोग यहाँ पे, हर वर्ग यहाँ पर परेशान है, और मुझे दुख होता है जब आप सभी लोग, कोई बात होती है तो आप बोलते हो सीएम सिटी, ये राजा करण की नगरी है, ये हमारी नगरी है, वो लोग यहाँ पर मेहमान है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उससे खास तौर से आप आज भी देख रहे हैं बहुत नौजवान जो है, नौजवानों में जोश है। नौजवान आज बेरोजगार हो गया, जो व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, उसके पास कोई काम नहीं है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो सरपंच, कभी भी सरपंच धरनों पे और सड़कों पर नहीं उतरे थे, और सरपंच जो है वो, मतलब उनको भी आज हड़ताल और धरने पे बैठे हुए हैं। जो अभी गोहाना की रैली थी अमित शाह जी, वो इतनी बड़ी फ्लॉप रैली थी कि अमित शाह जी ने वहाँ उस दिन आए भी नहीं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुर्सियाँ पूरी तरह से खाली पड़ी थी। तो हमारा आगे आने वाला समय हमारी कांग्रेस पार्टी का है और अगला हमारा जो कार्यक्रम अभी हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम है, उसमें भी रोज़ बहुत से नौजवान, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारे एरिया में आए, हमारे एरिया में आए। तो मैं, आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं सुमिता सिंह, उन्होंने भी अपनी बात को रखा, और वीरेंद्र सिंह राठौर है, राठौर साहब, जब से यात्रा निकली है, हालांकि यात्रा ज़रूर ख़त्म हो गई लेकिन चर्चा अभी तक है। जिस तरह से राहुल गांधी ने मीडिया को निशाने पर दिया, उसके बाद से मीडिया ने भी कहीं ना कहीं जो इस रैली के बारे में, इस जो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करनी शुरू कर दी, किस तरह देख रहे हैं? 1 साल चुनाव में अभी रह गया, हालांकि राहुल गांधी ने ज़रूर स्पष्ट किया था कि राजनीतिक उद्देश्य नहीं है यात्रा का, लेकिन जिस तरह से युवा जुड़ते जा रहे हैं, आज 2 सरपंचों ने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमने पहले भी कहा कि आदरणीय राहुल जी की जो यात्रा थी, उस यात्रा के माध्यम से 10 वर्षों का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल रहा है और देश की जनता जो उन मुद्दों से त्रस्त रही है, उन तमाम मुद्दों को भी इस यात्रा के माध्यम से उठाने का कार्य आदरणीय राहुल जी ने। तो इस यात्रा के माध्यम से देश के अंदर एक उम्मीद जगी है कि राहुल जी एक मजबूत लीडर के रूप में पूरी देश की जनता के सामने उभर कर के आए हैं। उसी का परिणाम है कि लोग लगातार करोड़ों की संख्या में राहुल जी की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब से यात्रा करनाल से या हमारे हरियाणा से होकर गई है, लगातार अन्य दलों के अंदर ना केवल खलबली है, परंतु अन्य दलों के नेता जो वहाँ जो घुटन महसूस कर रहे थे, वो लगातार कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है। ये संकेत इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाला समय जो है उसके लिए हरियाणा और देश की जनता ने अपने आप को तैयार कर लिया है, और मुझे लगता है कि बड़ा बदलाव 2024 के अंदर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। सर, लड़ाई लड़ेंगे कैसे? संगठन का विस्तार नहीं हो रहा पिछले कई सालों से, यानी हम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग भी आगे जरूर बात करते होंगे, चर्चा करते होंगे, संगठन का विस्तार नहीं हो रहा, ना हरियाणा में हो रहा है, ना जिलों में हो रहा है। लोग जुड़ना चाहते हैं, पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेवारी लेना चाहते हैं, तो अब इसकी क्या स्थिति रहने वाली, क्योंकि अब तो परमानेंट जो अध्यक्ष है वो भी मिल गए हैं हरियाणा। ये दो चीज़ें हैं,
संगठन निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों के अंदर जो निर्माण नहीं हो पाया वो एक कमी रही है, परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से मास बेस्ड पार्टी रही है। हम कभी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कैडर बेस्ड पार्टी है, परंतु कांग्रेस हमेशा से मासिस की पार्टी रही है, मास बेस्ड पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है पूरे देश में जिसका फिक्स्ड वोट बैंक हर गांव, हर गली, हर कूचे के अंदर है। हज़ारों की तादाद के अंदर लोग हर विधानसभा में ऐसे हैं जो सिर्फ हाथ के पंजे के ऊपर ही मोहर लगाने का काम करते हैं, तो वो कांग्रेस की असली ताकत है। ख़ास तौर पे हमारे बैकवर्ड के हमारे एससी भाई जो है वो एक मजबूत स्तंभ जो है वो कांग्रेस पार्टी का हर गांव, हर गली, हर कूचे में। निश्चित रूप से संगठन के निर्माण में विलंब हुआ है। बहुत जल्द ही हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी, सीएलपी लीडर माननीय हुड्डा जी, बहन कुमारी शैलजा जी और तमाम जो बड़े लीडर हैं सब मिलकर के लगभग चीज़ें तय हो कर दी गई हैं, और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ब्लॉकों की का गठन और जिलों का गठन जो है वो कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर बता रहे हैं कि जो संगठन है उसका विस्तार हो जाएगा। और संजय कुमार चंदेल हैं जिन्होंने करनाल से ही मेयर पद के लिए चुनाव भी लड़ा था पिछली टर्म में। चंदेल साहब, ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष आप बने हैं, क्या चुनौतियां रहेंगी, कांग्रेस के साथ कैसे युवाओं को जोड़ेंगे? आप खुद एक युवा चेहरा हैं और जिस तरह से आज बड़ी भीड़ भी आपने जुटाई है, इस तरह के कार्यक्रम वैसे कम ही देखने को मिलते हैं कांग्रेस के। ये भीड़ मैंने नहीं जुटाई है, मेरे प्यार में भीड़ है। जैसे कि सभी को मालूम है मैं कल रात ही श्रीनगर से आया हूँ और एक मैसेज के कहने पर ही इतने भाई मेरे यहाँ पर आए हैं। ये मेरे लिए नहीं आए, कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। सबको बदलाव चाहिए। जैसा कि आप देखते रहते हैं, आपने एक पोस्ट डाली है हॉस्पिटल में लाइट नहीं है, मैं भी यही बात कहता हूँ। पहले डॉक्टर नहीं थे, अब लाइट नहीं है, अब हॉस्पिटल में रह कौन गया। और कल एक पोस्ट और आपने डाली, आपने देखा होगा कि मक्खियों की तरह कैसे उसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि किसको भगाना है। तो आप सभी करनाल की जनता जानती है करप्ट कौन है, भगाना कौन है, भाजपा भाजपा भाजपा, ऐसे इतने कमेंट आ रहे थे कि किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब चुनाव हो और कब बदलाव हो। और मैं बखूबी इस पद को अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ, सभी दोस्तों के साथ निभाऊंगा, अपनी एक टीम बनाऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा। फिलहाल देखना होगा कि जो ओबीसी सेल के जो जिला अध्यक्ष है संजय कुमार चंदेल आगे चलकर किस तरह से अपने कार्यभार को यानी कि करते हैं, किस तरह से युवाओं को जोड़ते हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या करनाल में सचमुच अगले जो चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, मेयर के लिए, एमसी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव अगले साल होने हैं, उसमें देखना होगा कि किस तरह का जो बदलाव है वो देखने को मिलता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।